बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, गर्मी का जोर तो कुछ टूटिया और आंधी आ गई, उसके बाद मौसम भी कुछ ठंडा हो गया। हम भी कमरे में निकल कर बाहर बैठ गए। और आप सुनाओ, सारे सब के अलावा कैसा मौसम है? गर्मी की हिद्दत शिद्दत बरकरार आ या थोड़ी बहुत ही ठंड भी होने लगी है? और बाकी देखो, महकमा मौसमियात वाले तो कह रहे हैं भी बारिशों का सिलसिला शुरू होगा और पहले थे 35-40% बारिशा ज़्यादा होवेंगी। तो जिमीदारा करने वाले भाई भी अपनी जीरी की फसल टाइम के ला लो, बोलो पीछे तो लाओगे तो फिर अफसोस सा तो हुआ, क्योंकि उन बारिशों का फ़ायदा उस जीरी से ज़्यादा हुआ जो सी बारिशा होने से पहलों ला ली जावा। बारिश होने बाद में खैर बड़ा अच्छा रहा। तो बाकी हौसले नहीं छोड़ने, घबराना कोई नहीं। अल्लाह ताला ने काश्तकार थे, ज़िम्मेदार थे, बहुत बड़ा दिल दिया हुआ। तो हम अनाज उगाने वाले, रिजक उगाने वाले अल्लाह ना एक तबका पैदा करें हैं। और इंशाल्लाह इसका अल्लाह की बारगाह में अजर बहुत आ कि जिन हाथों थे तैयार करदा फसलों में थे अनाज, अल्लाह की मखलूक व मानस हों, चरिंद परिंद हों, चौपाए हों, उनके मुंह में जावा, उनके पेट में जावा, तो लाजमी तौर पर जिस टाइम वह सारी मखलूकात अल्लाह का शुक्र अदा करा, तो उसके शुक्र में उगान वाले काश्तकारा का शुक्रिया भी अदा हो जाए और अल्लाह ताला उसका अजर दे। फरमाया भी जिस वक्त किसान अपनी फसल बोका आ जा, उस मत तो हम देखा कीड़े मकौड़े जदी ठाणा शुरू कर देव, परिंदे बाहर गिरे बिखरे ना खाना शुरू कर देव, जामदी की जड़ा में चुंजा मार मार का खावा, जिमीदार पिछा दौड़ा भागा उनसे ढावा। लेकिन जितना अनाज व खा जा वो सब खैरात और सदके में बन जा, यो अल्लाह ताला ने हजरत इंसान वास्ता और बिलखसूस मुसलमाना वास्ता एक बहुत बड़ा अजर का वह बताया। और फिर जिस वक्त वह फसल तैयार होंदया तक उसमें जानवर भाग का छुटका खावा, परिंदे खावा, और फिर वह काट दे टाइम भी बिखर जा, उसमें थे आया गया मांगण करने वाले फकीर फेरी वाले लोग भी आकर ले जा। तो ये सारा अल्लाह ताला ना किसान काश्तकार की बख्शिश वास्ता, उसकी आल औलाद की बरकत वास्ता रिज्क में और अपनी खुशनुदी वास्ता अल्लाह ताला ना ये मौके दिए हैं। तो वो जो फिर खड़े लाओ जीरी जोर गलो। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।